वाराणसी जनपद के कटिंग मेमोरियल स्कूल में मिशन न्यू इंडिया 2019 नरेंद्र मोदी विचार मंच के अधिवेशन का हुआ आयोजन। आपको बता दें यह प्रांतीय अधिवेशन 28 और 29 दिसंबर को आयोजित किया गया, जिसमें पीएम को देश के लोगों की धड़कन बताया गया। इस दौरान अधिवेशन में मौजूद लोगों ने कुंभ मेले को सफल बनाने का अपील भी किया। प्रांतीय अधिवेशन में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल हुए थे और इस अधिवेशन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य रहे। वाराणसी से पीपीसी रिपोर्टर प्रशांत पांडे के साथ अभिषेक यादव की ये रिपोर्ट। गाँव के प्रत्येक जनपदों के अंदर में, प्रत्येक गाँव के अंदर में, और दूसरा महासंपर्क अभियान। महासंपर्क अभियान के द्वारा हम पूरे देश के 125 करोड़ लोगों से व्यक्तिगत वार्ता करना चाहते हैं। नंबर एक, नरेंद्र भाई की योजनाएं क्या, और नरेंद्र भाई, अगर आप नरेंद्र भाई का साथ दे रहे हैं तो 15 अगस्त 1947 से अभी तक आपको मोदी जी के लिए क्या अच्छा लगा? तो नमो आपके द्वार, इसमें क्या आप लोग कैसे, किस तरह की योजना, क्या क्या बात करेंगे, किस तरह के मसले सुलझाएं? देखिए, उसमें ये होता है कि नरेंद्र मोदी, पहला तो जनता को ये बताना होता है कि नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के 125 करोड़ लोगों से निरंतर जुड़ रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे नरेंद्र मोदी ऐप हो, चाहे माई जीओवी हो, चाहे मैसेंजर हो, ट्विटर हो, ये बताते हैं। दूसरा कि किस तरीके से आप नरेंद्र भाई को, भारत के प्रधानमंत्री को, अपना संदेश, अपनी बात, अपने विचार रख सकते हैं। कोई अगर समस्या है तो आप नरेंद्र मोदी ऐप में कहाँ से रख सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी ऐप के द्वारा नरेंद्र मोदी तक सीधे पहुँचना, नंबर एक। नंबर दो कि किस तरीके से मन की बात जो होती है वो नरेंद्र भाई के मन की बात नहीं है, नरेंद्र भाई वो बात करते हैं, 125 करोड़ लोग जो माई जीओवी और नरेंद्र मोदी ऐप पे जो सजेशन देते हैं उस सजेशन का सार वो मन की बात के द्वारा 125 करोड़ लोगों को संदेश देने का काम करते हैं। कोशिश ये हो रही है कि जितना भी अभी तक 26 मई 2014 से लेके अभी तक जो नरेंद्र भाई ने जितनी भी योजनाएं, नरेंद्र भाई की जीवन पद्धति, नरेंद्र भाई का जीवन चरित्र क्या है, वो हम नमो आपके द्वार में बताने की कोशिश करते हैं, और प्लस वहीं पे ही उनकी अगर कोई समस्या होती है तो समस्या का समाधान बताते हैं कि किस अधिकारी या किस तरीके से इसको होने वाला है।